नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बीमार सोच के इलाज की बात करेंगे। आप सोचिए, परिवार का सदस्य बीमार हो और उसे जीवन रक्षक इंजेक्शन की जरूरत हो, लेकिन वही इंजेक्शन ना मिले तो ऐसी स्थिति में परिवार की पीड़ा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, कठिन है। लेकिन ऐसे हालात क्यों बने? जब हम आपको वो सच दिखाएंगे तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। आपको पता चलेगा कि जिंदगी और मृत्यु के बीच कैसे कुछ लोग रोड़ा बनकर खड़े हैं, महामारी के बीच मरीजों का हक मार रहे हैं, क्योंकि जो जीवन रक्षक दवाएं मरीजों तक पहुंचनी चाहिए उन्हीं दवाओं को कालाबाजारी के काले खिलाड़ियों ने अपनी गैर कानूनी कमाई का जरिया बना लिया है। आज तक के संवाददाता जमशेद खान और नितिन जैन जब खुफिया कैमरा लेकर निकले तो दिल्ली से पंजाब तक कई घिनौने चेहरों से नकाब ही उतर गया। नाम अरुण अरोड़ा, काम जीवन रक्षक इंजेक्शन का काला धंधा, स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब। नाम मोहम्मद आमिर, काम जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी, स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब। नाम अखलाक, काम जीवन रक्षक इंजेक्शन का कोरक धंधा, स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एक तो नहीं बल्कि तीन चेहरे कैद हुए। ये चेहरे महामारी में जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हैं। ये चेहरे 300 का इंजेक्शन हजारों में बेचते हैं। कालाबाजारी के काले खिलाड़ी 5,000 का इंजेक्शन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों को 20,000 में बेच रहे हैं। आज इन चेहरों से नकाब उतरना जरूरी है। सबसे पहले सुनिए दिल्ली के अखलाक की सौदेबाजी का छोटा सा हिस्सा। अरे भाई बेफिक्र रहो, आपको पैसे बिना लिए कोई देता नहीं, इस टाइम बिल्कुल अफीम समझो इसको। खुफिया कैमरे में अखलाक ने कबूल किया कि ये धंधा गैर कानूनी है और पकड़ा गया तो सलाखों के पीछे पहुंच सकता है। अब तक अखलाक कानून की आंख में धूल झोंक कर काला बाजारी कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगा। बड़ा मसला है, आप नहीं समझ रहे हो। इसमें आदमी पकड़ जाते हैं, जेल हो जाती है लोगों को, आप बात नहीं समझ रहे हो। मैं सर कर रहा हूँ, रिस्क पे कर रहा हूँ, तो तुम अपनी बता रहे हो कहानी। ये अरुण अरोड़ा है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक सरकारी सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मुंह मांगी कीमत पर बेच रहा है। आपका फार्मेसी का काम है? नहीं, हमारा सारा कुछ हाल है, ड्रग का काम भी है, सारा कुछ है। मेडिकल स्टोर की आड़ में जीवन रक्षक इंजेक्शन की सौदेबाजी दिल्ली में कैसे हो रही है, ये सच खुफिया कैमरे में कैद हुआ। आपका मेडिकल स्टोर यही है ना? फैज मेडिकल, उसके नाम से फैज मेडिकल, अल शिफा हॉस्पिटल के शाहीनबाग। बाजार से जरूरी इंजेक्शन आम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन अचानक गायब, कहां और किसने किए? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एक एक सच कैद हो गया।